मोहनलाल फुखाड़िया विश्वविद्यालय का अगर आपको कोई भी सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप बस इन तरीकों को अपनाइए। ये जो साइट मैंने खोल रखी है वो जो डिस्क्रिप्शन होता है सबसे ऊपर मैंने उसमें लिख रखी है। इसमें तीन कॉलम आपको दिखेंगे जब आप वेबसाइट खोलेंगे, तो सेलेक्ट स्कीम, सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट सेमेस्टर और ईयर। सेलेक्ट स्कीम में आप जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम वो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्लिक क्या करना है। इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CBCS, अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं। तो अगर आपको BA, BSc, BCom या इनसे जुड़ी अगर कोई भी सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप अंडर ग्रेजुएट, अगर आपका वार्षिक जो है पेपर आपका वार्षिक होता है मतलब ईयर वाइज आप पढ़ते हैं तो आप एनुअल क्लिक कर लेंगे, अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है तो अंडर ग्रेजुएट इन सेमेस्टर वाला क्लिक कर लेंगे। मैं अंडर ग्रेजुएट एनुअल क्लिक कर ले रहा हूँ, तो मैं आपको फ़िलहाल कोई सा भी पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल का। जब आप वहाँ पे ये क्लिक कर देंगे स्कीम के आगे तो आगे ये सेलेक्ट कोर्स के आगे खुद ही प्रोसेस होके आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कोर्स मैंने जैसे टच किया तो उसके आगे इतने सारे कोर्सेज लिख के आ गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं BCom का कर रहा हूँ, ओके, BCom पे मैंने छू दिया तो BCom उसमें हो गया। फिर नीचे देखिए सेलेक्ट सेमेस्टर या ईयर, उसको हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर का क्लिक किया तो नीचे फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर्स आपको पढ़ने हैं वो सारे स्क्रीन पे लिख के अब आ चुके हैं। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैट्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस रिगार्डिंग मेंटेनेंस और क्या क्या था, वन मिनट। तो देखिए ये थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर ये आपके पेपर हैं, तो जैसे आपको क्या करना है और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको आप छू दीजिए, ठीक है। इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, छू दीजिए, मतलब जो भी टॉपिक आपको देखना है ये टॉपिक अगर आप छू देंगे तो अपने आप एक PDF आपकी डाउनलोड होकर आपके सामने होगी। PDF मेरी डाउनलोड हो रही, मैंने जो करा है अभी डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या डिटेल फाइन है। फिलहाल PDF डाउनलोड हो रही है और देखिए PDF खुलकर हमारे सामने है। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक के अंदर हमें कौन सी हेडिंग पढ़नी है या कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी यूनिट है, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस तरह जैसे आपने BCom के क्लिक किया वैसे आप वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट डाल के उसका फ्लेवर डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए BCom की जगह आप BA का क्लिक कर लीजिए, ओके, BA ईयरली का देख लीजिए, मैंने केवल BA क्लिक कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसी का देख लेते हैं। फिर सेलेक्ट सेमेस्टर या ईयर करके उसमें ईयर या सेमेस्टर भर देंगे, उसके बाद उसका फ्लेवर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही तरीका है कोई भी सिलेबस देखने का मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, हम इससे आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।